क्या आप सोच रहे हैं कि IDBI स्टॉक में आप ट्रैप हो गए हैं? तो कम से कम इस स्टॉक में तो आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आप ट्रैप हुए हैं, क्योंकि इस स्टॉक का जो क्वार्टरली रिजल्ट रहा है वो बहुत ही शानदार रहा है और अब ट्रेंड के लिए ये स्टॉक तैयार हो गया है। एक नया जर्नी इस स्टॉक के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे इसके क्वार्टरली रिजल्ट का और साथ में ही जानेंगे कि इस स्टॉक के अंदर क्या स्टॉप लॉस और टारगेट रहने वाला है और आगे की जर्नी कैसे इस स्टॉक के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही शानदार रहा, जहां नेट प्रॉफिट में 370% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। वहीं ईयर ऑन ईयर नेट इंटरेस्ट इनकम में 44% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। वहीं इस स्टॉक के अंदर EPS, नेट प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीमेंट होते हुए दिखा है। वहीं एसेट्स क्वालिटी भी ग्रो करते हुए दिख रहा है। बैड लोन और डेट्स कम होते हुए दिख रहे हैं। फंडामेंटली ये कंपनी एक स्ट्रॉन्ग कंपनी बनते जा रहा है। जहां कंटिन्यूअसली ये स्टॉक लॉस कर रही थी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, वहीं पिछले दो क्वार्टर से इस स्टॉक का रिजल्ट बहुत ही शानदार रहा है। टेक्निकली इस स्टॉक को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि काफी समय से 38 से 42 के बीच में ही ये स्टॉक ट्रेड होते हुए दिख रहा है और इतने बेहतर रिजल्ट होने के बाद कल के दिन इस स्टॉक के अंदर आपको शानदार तेजी देखने को मिल सकता है। जहां इस समय ये स्टॉक 38 के प्राइस पे ट्रेड हो रहा है, वहीं मेरा पर्सनल मानना है इस स्टॉक को लेकर के अगले दो साल में जो आपको टारगेट दिखेगा वो 95-100 सियोरली देखने को मिलेगा। इस स्टॉक में स्टॉप लॉस को 32 के स्टॉप लॉस को जरूर फॉलो करना है, यानी बहुत ही कम रिस्क और बहुत ही शानदार रिवार्ड इस स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगा और ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर आप अपने पोर्टफोलियो में इस स्टॉक को ऐड करना चाहते हैं। नमस्कार।